हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश अर्थशास्त्र के सुपर डुपर प्रश्न आज मैं आपको कराने वाली हूँ। मध्य प्रदेश अर्थशास्त्र के प्रश्न हैं जो यूनिट 4 है MBPSC प्रीलिम्स की। बहुत ही शानदार प्रश्नों का लेवल ऐसा है कि जो आपको हर प्रश्न ऐसा दिखेगा जो पेपर में आना ही आना है। तो इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा जिससे मैं आपको ये करवा रही हूँ। हमने MBPSC प्रीलिम्स की एक 12,000 MCQ की एक टेस्ट सीरीज़ तैयार करी है, उसमें से ही मैं आपको ये प्रश्नोत्तर तैयार करवा रही हूँ। तो इनको जरूर ही कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप इसकी सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी तुरंत व्हाट्सएप पर मिल जाएगी और हार्ड कॉपी के लिए आपके घर पर आएगी 7 से 8 वर्किंग डेज में। 12,000 प्रश्नों का ये कलेक्शन है, यूनिट वाइज ये टेस्ट पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का कलेक्शन आप खुद ही देख के समझ सकते हैं। जहाँ से मुझे कोई क्वेश्चन अच्छा मिला है मैंने वो क्वेश्चन को कलेक्ट किया है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, मतलब किस जगह पे कौन सा खनिज नहीं पाया जाता। सबसे पहला है सिलेट, क्या सिलेट मंदसौर में पाया जाता है सबसे ज़्यादा, बिल्कुल सही है। कैल्साइट बड़वानी में पाया जाता है, कैल्शियम का है इसका, ये बिल्कुल सही है। निकिल सीधी में पाया जाता है, ये भी सही है। इसके अलावा जो गेरू है वो रीवा में नहीं पाया जाता, गेरू जो है वो धार में पाया जाता है। गेरू, चूना पत्थर, क्वार्ज, सिलिका, रेत, ये कहाँ पाया जाता है, ये धार में पाया जाता है। इसके अलावा छिंदवाड़ा में चीनी मिट्टी पाई जाती है, डोलोमाइट पाया जाता है। बैतूल में तांबा, कोयला, ये सब ये अयस्क पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा उत्पादन अगर गेरू मिट्टी का किसी ज़िले में होता है तो वो रीवा ज़िले में नहीं होता है बल्कि धार ज़िले में होता है। कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, धार ज़िले में होता है। और अगर आपसे पूछें जैसे कि ये तो सुमेलित है, रीवा सतना में होता है, धार में होता है, आपसे अगर सबसे पूछें आपको एक एग्ज़ाम दे दें ऑप्शन, उज्जैन गेरू सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, आपको ऑप्शन दे दें गेरू मिट्टी के लिए, उज्जैन दे दें, सतना दे दें, इंदौर दे दें, तो आपका ऑप्शन होगा सतना में। तो वो ये जो साइड है धार सतना, यहाँ पे गेरू की सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा एक्सप्रेस वे को किस एक्सप्रेस वे की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। मध्य प्रदेश में बहुत सारे एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जा रहा है। नर्मदा एक्सप्रेस वे यमुना एक्सप्रेस वे की तर्ज पर विकसित किया जाएगा और यमुना एक्सप्रेस वे जो है गंगा के किनारे मेरठ से प्रयागराज तक है। ये यमुना एक्सप्रेस वे है वो कहाँ से कहाँ तक है, मेरठ से प्रयागराज तक है। और जो ये नर्मदा एक्सप्रेस वे है ये MP के 11 ज़िलों से गुजरेगा, ये भी याद रखिएगा। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो नर्मदा एक्सप्रेस वे है वो MP के कितने ज़िलों से होकर गुजरेगा, तो नर्मदा एक्सप्रेस वे 11 ज़िलों से होकर गुजरेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये MP का सबसे बड़ा एक्सप्रेस रहेगा, गुजरात से छत्तीसगढ़ को सीधे जोड़ेगा। इसके अलावा भी नए ज़िलों का निर्माण हुआ है, जब ये एक्सप्रेस वे बना था उस समय ये 11 ज़िलों से गुजरता था और अभी जो नए ज़िले बन चुके हैं उसके बाद ये इसका 12 ज़िले आंसर हो गया है। और ये इसकी जो लंबाई है वो 906 किलोमीटर है, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। नर्मदा एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है, नर्मदा एक्सप्रेस वे की लंबाई 906 किलोमीटर है और ये किस एक्सप्रेस वे की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, ये यमुना एक्सप्रेस वे की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। हरदा, खंडवा, हरसूद, खरगोन, बड़वारी, रतलाम, उज्जैन, देवास, अनूपपुर से होकर ये गुजरेगा। 906 किलोमीटर लंबाई जरूर याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है। मध्य प्रदेश का आपसे पूछें सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे कौन सा है, तो नर्मदा एक्सप्रेस वे ही है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पहली बार 1908 में बॉक्साइट का उत्खनन कहाँ हुआ था। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में पहली बार बॉक्साइट का उत्खनन कब हुआ था, तो सबसे पहला कहाँ पे कब हुआ था, 1908 में हुआ था। कब हुआ था, 1908 में हुआ था और कहाँ पे हुआ था, ये कटनी में हुआ था। आपसे पूछें कि मध्य प्रदेश में बॉक्साइट किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो कटनी में ही पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। बॉक्साइट का उत्खनन भी यहीं हुआ था और बॉक्साइट जो है पाया भी यहीं पे सबसे ज़्यादा जाया था। जेल प्रहरी के एग्ज़ाम में ये आया था। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, बॉक्साइट किसका है, इसका एल्यूमिनियम का अयस्क है। और मध्य प्रदेश के शहडोल, मंडला,
पंजाब, बालाघाट, रीवा, सतना और कटनी जिलों में इसके लगभग 63 मिलियन भंडार मिले हैं। कटनी और सतना जो ज़िले हैं, कटनी अगर ऑप्शन नहीं हो या सतना हो, तो ये दोनों ज़िले जो हैं वो बॉक्साइट के उच्च उत्पादन क्षेत्र हैं। सब अगर दुनिया में बात की जाए कि ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो दुनिया में जो बॉक्साइट सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया जिन्होंने अभी हाल ही का 2023 वर्ल्ड कप चैम्पियन बनी है, वहीं पर ही सबसे ज़्यादा बॉक्साइट पाया जाता है। और दुनिया का लगभग 32% बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। इसके अलावा छिंदवाड़ा में चीनी मिट्टी पाई जाती है, धार में चूना पत्थर, गेरू, ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में पहली बार 1908 में बॉक्साइट का उत्खनन कहाँ पे हुआ, कटनी में हुआ। यही कटनी में ही सबसे ज़्यादा बॉक्साइट पाया जाता है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। समय भी याद रखिएगा कि 1908 में हुआ। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग का गठन कब हुआ? 1998 में हुआ, और ये विद्युत नियामक आयोग है। और अगर आपसे पूछें कि मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड स्थापित करने वाला, मतलब मध्य प्रदेश जो विद्युत बोर्ड है, इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। और मध्य प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य है जहां पर मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड की स्थापना हुई थी। और कब कब हुई थी? 1946 में हुई थी। और ये जो MPV है, मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड, इसका मुख्यालय जबलपुर में है। इस मुख्यालय को शक्ति भवन भी कहा जाता है। जो विद्युत भवन है उसको क्या बोला जाता है? उसको शक्ति भवन भी बोला जाता है। इसके अलावा इसकी स्थापना कब हुई थी, जो मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की है? 1998-99 में इसकी स्थापना हुई थी। कर्नाटक विद्युत नियामक आयोग की तर्ज पर इसकी स्थापना हुई थी। जहाँ भी अलग अलग जो जिले होते हैं, उधर अलग अलग नियामक आयोग बन गए थे, विद्युत नियामक आयोग, उसकी तर्ज पर इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि केंद्रीय विद्युत, केंद्रीय मतलब पूरा भारत का है ये, और केंद्रीय विद्युत, यहाँ पर विद्युत का अनुसंधान किया जाता है। तो केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान है भोपाल में। कहाँ पर है केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान? भोपाल में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा एक आता है, केंद्रीय जल एवं विद्युत स्रोत केंद्र कहाँ पर है? तो केंद्रीय जल एवं विद्युत स्रोत केंद्र पुणे में है। केंद्रीय जल एवं विद्युत स्रोत केंद्र कहाँ पर है? पुणे में है। और केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? भोपाल में है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? डोलामाइट, लोहा, तांबा या मैग्नीज? इन चारों के कंपैरिजन में अगर देखें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मैग्नीज और हीरा पाया जाता है। अगर हीरा ऑप्शन होता तो वो भी आंसर होता। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो खनिज है वो मैग्नीज और हीरा है। इसके उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। इसके अलावा चूना पत्थर की बात की जाए तो उसमें दूसरा स्थान है। रॉक फॉस्फेट की बात की जाए, जो कि झाबुआ ज़िले में पाया जाता है, उसमें भी इसका दूसरा स्थान है। और हीरे और मैग्नीज में पहला स्थान है, चूना पत्थर और राख फॉस्फेट में दूसरा स्थान है। कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। पिछली बार MPPSC का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है 2022 वाला, उसमें कोयला उत्पादन क्वेश्चन पूछा था और इस पर बहुत ज़्यादा आपत्ति भी लगी हुई थी। पर अब जो डिलीट प्रश्न होगा उसके भी मार्क्स मिलेंगे। अभी एक विज्ञप्ति आई थी कल परसों आयोग की, तो उसमें बताया है कि मार्क्स मिलेंगे। तो कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। और जो 2020-21 में अगर आर्थिक सर्वेक्षण देखें तो खनिज संसाधनों का जो कुल राजस्व है वो 20,260 करोड़ रुपए है, ये भी याद रखिएगा। तो कोयले उत्पादन में तीसरा है, मैग्नीज और हीरे में प्रथम है, और रॉक फॉस्फेट और चूना उत्पादन में दूसरे नंबर पे। फ्रेंड्स, ये मेरा नंबर है, अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव नहीं करा है तो सेव करा दीजिए। 1 तारीख के बाद व्हाट्सएप के स्टेटस के थ्रू भी आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन का कलेक्शन आ जाएगा और बहुत सारे क्वेश्चन की आपकी तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, न्यू है, तो कर लीजिएगा। ये हमारी L सीरीज़ है, ये हम L सीरीज़ का 23वां भाग कर रहे हैं।
इसके पहले के भाग अगर आपने टेस्ट के नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। ये 12,000 प्रश्नों का एक ब्रह्मास्त्र है और ये प्रीलिम्स का एक ब्रह्मास्त्र है जिसमें आपको हर यूनिट के प्रश्न कवर हैं। जैसे कि 1 से 10 टेस्ट आपको यूनिट 1 के मिलेंगे, 11 से 20 आपको यूनिट 2 के मिलेंगे, उसके अलावा 21 से आपको 30 यूनिट 3 के मिलेंगे। ऐसे यूनिट 1 से यूनिट 10 तक अलग 10,000 क्वेश्चन है, बाकी 2,000 जो क्वेश्चन है वो करंट अफेयर्स के तैयार किए हैं। तो ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद कर लेना है। जिन्होंने भी हमारे टेस्ट ले लिए हैं वो उनको अच्छे से कर लीजिए। इस टेस्ट का जो चार्ज है ये 12,000 प्रश्नों के ब्रह्मास्त्र का, इसकी सॉफ्ट कॉपी का जो चार्ज शुरू के 50 लोगों को 499 रुपये है, और इसकी हार्ड कॉपी का चार्ज 1,399 रुपये है, प्लस इसमें कुरियर चार्ज अलग रहता है। तो जो भी लोग, सॉफ्ट कॉपी आपको तुरंत व्हाट्सएप पर मिल जाती है, हार्ड कॉपी आपको आपके घर पे आती है 6 से 7 वर्किंग डेज में ही आपके पास पहुंचती है। इसके साथ हम आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी प्रोवाइड कराते हैं, जिस व्हाट्सएप के ग्रुप में आपकी तैयारी कराई जाती है। इस व्हाट्सएप के ग्रुप में आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए जाते हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट दिए जाते हैं, जिनके एग्ज़ाम में आने की 100% संभावना है। अगर आप ये 12,000 प्रश्न पूरे कर लेते हैं, प्लस हमारा जो ग्रुप का अपडेट पूरा कर लेते हैं, तो आप प्री आपका जरूर निकलेगा। अगर आप एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेते हैं, साथ में अगर आप हमारी वीडियो भी सुनते हैं तो उसमें सोने पे सुहागा है, क्योंकि मैं वीडियो के हर क्वेश्चन जो होता है उसके एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताती रहती हूँ, जिससे वो क्वेश्चन तो आपका आंसर तो पक्का होता है, साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपके कवर हो जाते हैं। तो अगर आप वीडियो भी देखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये पूरी महाअभ्यासी का आप ले सकते हैं, सॉफ्ट में भी और हार्ड में भी। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं आपको तुरंत हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ लिया जाता है, इस ग्रुप में तैयारी करवाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है, इनमें से क्या सुमेलित नहीं है? देखो मतलब ये जो ताप विद्युत केंद्र है, कौन सा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर नहीं है? संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र, देखिए सिंगाजी से ही समझ में आ जाओ, सिंगाजी कहाँ के थे? खंडवा के थे, तो खंडवा इसका आंसर सही हो जाएगा। ये सिंगाजी जो परियोजना है ये खंडवा जिले के मुंडी के पास एक डुंगलिया गांव है वहाँ पर है, और ये कोयला आधारित बिजली संयंत्र है, और इसको जो जल है वो नर्मदा नदी पर जो इंदिरा सागर जलाशय है वहाँ से इस पे लिया जाता है। इंदिरा सागर जलाशय से यहाँ पे जल लिया जाता है, और इसको लगभग 2550 मेगावाट का इसने इतिहास भी रखा है बिजली उत्पादन का, 2550 मेगावाट का। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत संयंत्र अगर बात की जाए तो वो अमरकंटक ताप विद्युत संयंत्र है, जो कि अनूपपुर में है, और इसकी उत्पादन क्षमता 450 मेगावाट है। 1977 में इसकी स्थापना हुई थी अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र की, और जो सबसे पहला। अगर सबसे बड़ा की बात की जाए कौन सा है मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो ताप विद्युत केंद्र है वो है विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र, 4760 मेगावाट की क्षमता है। जो लास्ट पीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था तब मैंने कुछ आपको ये ताप विद्युत केंद्र ट्रिक से याद करवाए थे, आप एक बार ताप विद्युत केंद्र ट्रिक डालिएगा सर्चिंग में यूट्यूब पर, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। बहुत ही शानदार तरीके से उसमें सारे ताप विद्युत केंद्र आपको याद हो जाएंगे। विंध्याचल जो ताप विद्युत केंद्र है जो सबसे बड़ा है, उसकी स्थापना 1987 में हुई थी विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र की, तो याद रखिएगा। अब अगला है, बोल रहे हैं देखो ये वाला तो सही होगा, खंडवा में ही मैंने इसके बारे में आपको सारे फैक्ट बता दिए हैं, इसकी उत्पादन क्षमता भी बता दी है लगभग 2520, और इसने अभी इतिहास भी रचा है। इसके अलावा सबसे पहला जो है वो अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र है, सबसे बड़ा विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र है। बुंदेलखंड ताप विद्युत केंद्र, बुंदेलखंड ताप विद्युत केंद्र सागर में नहीं है, ये छतरपुर में है, तो ये सुमेलित नहीं होगा। बुंदेलखंड ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है? छतरपुर में है, छतरपुर में एक बरेठी है वहाँ पर ये ताप विद्युत केंद्र है, और इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो 2640 मेगावाट है। बुंदेलखंड ताप सागर में ऐसा कोई बड़ी नदी नहीं है, तो बुंदेलखंड ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है? छतरपुर में है, और इस परियोजना को जो कोयला की आपूर्ति होती है वो एक रायगढ़ कोयला खदान है छत्तीसगढ़, वहाँ से होती है, और जो जल की आपूर्ति होती है वो मझगांव बांध से होती है। तो ये याद रखिएगा, सबसे बड़ा मैंने बता दिया है। एक झाबुआ ताप विद्युत केंद्र है वो बरेली गांव में है। अगला है
ये बुंदेल ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे हो गया? छतरपुर में, यही आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा है गाडरवारा ताप विद्युत केंद्र, ये नरसिंहपुर में है, बिल्कुल सही है। और पेज ताप विद्युत केंद्र छिंदवाड़ा में है, ये बिल्कुल सही। तो ये तीनों A1 CD और A CD सही हो जाएगा, बी आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से जापान व जर्मनी को लोह अयस्क का निर्यात किस बंदरगाह द्वारा किया जाता है? मुंबई बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, विशाखापट्टनम या पारादीप बंदरगाह? मध्य प्रदेश से जापान और जर्मनी को, देखो बंदरगाह के बारे में बताएं तो एक मारमागाव पत्थर है, या मारमागाव बंदर है, जो ज्वारा ज्वारी जो ज्वार नदमुख है उसके प्रवेश, ज्वारी नदी याद रखिएगा गोवा में है, और ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है। भारत में अगर बात की जाए तो भारत में जो लोह अयस्क निर्यात होता है वो मारमागाव पत्तन से सबसे ज़्यादा जापान को लोह अयस्क निर्यात होता है। 1961 से ही ये निर्यात किया जा रहा है। बात की जा रही है मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश में से कहाँ लोह अयस्क का जो निर्यात होता है, मध्य प्रदेश के लोहे का, वो कहाँ से होता है? वो होता है विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान व जर्मनी को लोह अयस्क का निर्यात होता है, तो ये फैक्ट याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अनुसार मध्य प्रदेश से होकर कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? 42, 44, 40 या 48? तो आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार मध्य प्रदेश से कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? 44 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। कितने राजमार्ग गुजरते हैं? 44 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। और जो परिवहन के साधन हैं मध्य प्रदेश के, मेन जो है ये राष्ट्रीय राजमार्ग ही हैं, इसके अलावा रेलवे है, ये मेन दो परिवहन के मुख्य साधन हैं। और ब्रिटिश शासन के दौरान ही परिवहन विकसित होने लगे थे। मध्य प्रदेश की जो कनेक्टिविटी है वो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात की तुलना में कम है। रेल कनेक्टिविटी भी मध्य प्रदेश में ख़राब है दूसरे अगर क्षेत्रों की तुलना में देखी जाए। इसके अलावा मध्य प्रदेश में अगर सड़कों की लंबाई देखें तो 70,961 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में जो सड़कों की लंबाई है वो कितनी है? 70,961। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में सड़कों की लंबाई कितनी है? 70,961 किलोमीटर है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो 8,858 है, राज राजमार्ग जो है वो 11,389 है, जिला सड़कों की आज बात की जाए तो 22,000 की समथिंग है, और ग्रामीण सड़कें लगभग 28,000 है। इस प्रकार टोटल 70,961 है। इसके अलावा बात करें कि सबसे ज़्यादा सड़क जो घनत्व है, सबसे ज़्यादा सड़क घनत्व किसका है? तो सबसे ज़्यादा है सतना का, और सबसे कम किसका है? सबसे कम है श्योपुर का। सबसे ज़्यादा सड़क घनत्व किसका है? ज़्यादा, तो ज़्यादा है किसका? सतना का। और कम किसका है? कम है श्योपुर का। अगर मध्य प्रदेश का औसत सड़क घनत्व देखा जाए तो 31 किलोमीटर प्रति 100 है। कितना है? 31 किलोमीटर प्रति 100 है। और राष्ट्रीय देखा जाए तो 83 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है। राष्ट्रीय कितना है? 83 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश सड़क अधोसंरचना के मामले में 15वें स्थान पर है। सड़क अधोसंरचना के मामले में मध्य प्रदेश देश में 15वें स्थान पर आता है। सबसे ज़्यादा सड़कों की जो लंबाई है वो सीधी में है, और न्यूनतम सड़कों की लंबाई जो है वो झाबुआ में है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सौभाग्य योजना की शुरुआत कब हुई? 2015 में, 2017 में, 2019 में या 2021 में? 25 सितंबर 2017 को सौभाग्य योजना की स्थापना हुई थी, और ये हुई थी दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर इसकी स्थापना हुई थी। सभी गांवों में, उत्तर प्रदेश हुआ, उड़ीसा हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, सभी गांवों में सभी गांवों में 100% बिजली पहुंचाने के उद्देश्य से इसकी स्थापना हुई थी। तो याद रखिएगा कब हुई थी? सितंबर 2017 में इसकी स्थापना हुई थी। हीरा खनिज किस सीरीज में पाया जाता है? बिजावर सीरीज में पाया जाता है, सौसर सीरीज में पाया जाता है, या चिल्पी सीरीज में पाया जाता है? हीरा
एक ही तत्व से बना एकमात्र रत्न है। इसमें लगभग 99% और 99 से ज़्यादा ही, लगभग 99.95% कार्बन पाया जाता है। आपसे पूछें किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है हीरा, तो हीवा किम्बरलाइट चट्टानों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? किम्बरलाइट चट्टानों में पाया जाता है। और किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, कुड़प्पा या विंध्यन, तो ये विंध्यन क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। और अगर सीरीज़ की बात की जाए तो ये विजावर सीरीज़ में पाया जाता है, चिल्पी सीरीज़ बालाघाट में पाई जाती है, और सौसर सीरीज़ छिंदवाड़ा में पाई जाती है। सौसर छिंदवाड़ा में पाई जाती है, चिल्पी बालाघाट में पाई जाती है, और विजावर सीरीज़ पन्ना में जहाँ हिनीरा पाया जाता है वहाँ पाया जाता है। अगला है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ऊर्जा खपत किस क्षेत्र में होता है? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा खपत होता है वो उद्योग में होता है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा। अभी तक आपने अगर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में आप मुझे मेरे को हाय लिख कर भी भेज दीजिएगा अगर आप आपका व्हाट्सएप नंबर सेव कराना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में मैं आपको अपना व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी भेज दूँगी, तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टा लिंक भी मेरी आकांक्षा 1957 के नाम से है, आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम लिंक है, आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए वित्तीय सहायता किस संगठन ने दी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ या न्यू डेवलपमेंट बैंक? किसने? सबसे पहले याद रखो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है। देखो, सबसे बड़ी जो परियोजना है अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा, ये रीवा जो परियोजना है वो ये परियोजना है, और मध्य प्रदेश में के रीवा में एशिया की सबसे बड़ी है ये सौर ऊर्जा परियोजना, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास लिमिटेड और SECE के संयुक्त उद्यम के सहयोग से ये बनाई गई है। इसके अलावा अगर पूछें कि ये किसके सहयोग से बनाई गई है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सहयोग से बनाई गई है, तो ये बनाई गई है विश्व बैंक के सहयोग से। किसके सहयोग से बनाई गई है? विश्व बैंक के सहयोग से बनाई गई है। विश्व बैंक का एक हिस्सा है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, जिसको IFC बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, उसके सहयोग से इसको बनाया जा रहा है, और लगभग $440 मिलियन की इसको सहायता दी गई है। लगभग 440 मिलियन डॉलर मतलब लगभग 2800 करोड़ रुपये। इसमें लगभग 15.4 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन बचाया जा सकेगा। तो याद रखिएगा, जो रीवा अल्ट्रा सौर ऊर्जा संयंत्र है किसकी सहायता से विकसित किया जा रहा है? विश्व बैंक की सहायता से। निम्न में से कौन कोयला क्षेत्र में नहीं आता? मोहपानी कोयला क्षेत्र बिल्कुल आता है, पाथरखाड़ा में कोयला क्षेत्र आता है, पेंच कोयला क्षेत्र भी आता है, जोहिला कोयला क्षेत्र नहीं आता, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में गैस पर आधारित पहला विद्युत गृह कहाँ स्थापित किया गया है? भांडेर दतिया में स्थापित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में गैस पर आधारित पहला विद्युत गृह कौन सा है? दतिया में, भांडेर दतिया में है, और ये इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। SR कंपनी द्वारा ये संचालित किया जा रहा है। किस कंपनी द्वारा? SR कंपनी द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। कहाँ पर है? भांडेर में है, 1992 में, और इसकी स्थापना कई, और 1994 से ये SR कंपनी द्वारा संचालित किया जा रहा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन का कलेक्शन देख रहे होंगे, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट कौन सा है? राजा भोज, अहिल्याबाई रानी दुर्गावती या विजय राजे सिंधिया? इसका आंसर होगा देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट। मध्य प्रदेश का सबसे जो व्यस्तम हवाई अड्डा है, और भोपाल विमान क्षेत्र दूसरा व्यस्ततम हवाई अड्डा है, और जो कि राजा भोज के नाम पर रखा गया है। देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट पहले नंबर पे है और राजा भोज एयरपोर्ट दूसरे नंबर पर है, और जो मराठा साम्राज्य की महारानी है उनके नाम पर इस पे लिखा गया था। इस 1948 में इंदौर से ग्वालियर, दिल्ली और मुंबई के लिए हवाई सेवा सबसे पहले आरंभ की गई थी।
और 2018 में वर्ल्ड बुक को रिकॉर्ड जो होता है यूके ने इस जो ये जो हवाई अड्डा है उसको एक मानकीकरण प्रदान किया था। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, ऐसा आपको पसंद आए होंगे, क्वेश्चन का लेवल बहुत ही शानदार है। अगर ये आप पूरे के पूरे 12,000 क्वेश्चन परचेस करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, हार्ड कॉपी आपके घर आएगी, सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ में आपको तुरंत मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।